भारतीयों को शरण मिलने की बहुत कम संभावना के बावजूद वह यूके और यूएस में बने रहने में कामयाब रहे हैं। 2023 में यूके अपने शरण बैकलॉग को 28% तक कम करने में कामयाब रहे, लेकिन 95,000 से अधिक आवेदन अभी भी पिछले दिसंबर में प्रारंभिक निर्णय का इंतजार कर रहे थे। लंदन, अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीयों के आने और शरण की मांग करने वालों की बढ़ती संख्या ने इन देशों में इमिग्रेशन नीति पर ध्यान केंद्रित किया है, जो पहले से ही शरण की चाह रखने वाले लोगों की बड़ी संख्या के मामले निपटाने के बोझ से दबे हुए हैं। भले ही यूके और यूएस की सरकारें कुछ लोगों को ही ठहरने की अनुमति देती हैं, लेकिन निष्कासन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक खींच सकती है। इससे प्रवासियों को इन देशों में लंबे समय तक रहने की अनुमति मिल जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यूके के डेटा के आधार पर पाया है कि शरण चाहने वाले शीर्ष 15 देशों में भारतीयों को राहत मिलने की सबसे कम संभावना 6-9% है। उसके बावजूद भारतीय यूएस और यूके में लंबे समय रुके रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय शरण मिलने के मौकों के हिसाब से पड़ोसी देश चीन 18-24%, पाकिस्तान 53-55% और ईरान 77-86% से पीछे है। 2019-2023 के दौरान 300 से भी कम भारतीयों को ब्रिटेन में रहने की अनुमति दी गई। ये वे लोग हैं जो शरणार्थी की स्थिति के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों से रहने की अनुमति मिली। दिलचस्प बात यह है कि भारतीयों के पास शरण पाने की कम संभावना के बावजूद वे इन देशों में रहने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह वहां का कानूनी सिस्टम है। यूके का गृह कार्यालय अगर किसी को शरण देने से इनकार करता है तो आवेदक फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल आव्रजन और शरण चैम्बर में अपील कर सकता। ट्रिब्यूनल ने 2023 में अपील पर फैसला लेने में औसतन 11 महीने का समय लिया। इसके बाद अगला कदम ऊपरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना है। इसके बाद आवेदक न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। 2023 में यूके ने अपने शरण बैकलॉग को 28% तक कम करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन बीते साल दिसंबर में 95,000 से ज्यादा आवेदक शुरुआती फैसले का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में एक व्यक्ति सकारात्मक या रक्षात्मक रूप से शरण मांग सकता है। पहले मामले में शरण चाहने वाला व्यक्ति यूएस नागरिकता और आव्रजन सेवाओं में आवेदन करता है। दूसरे मामले में कार्यकारी कार्यालय के आव्रजन समीक्षा के जज के सामने विचार किया जाता है। 2018 से अमेरिका में रक्षात्मक रूप से शरण पाने वाले भारतीयों की संख्या में हर साल वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी इसमें सफलता की दर 15% से कम है। भारतीय नागरिकों से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 2017 में 10,851 से बढ़कर 2022 में 32,479 और फिर 2023 में 53,457 हो गई। करीब 8,00,000 रक्षात्मक शरणार्थी 2022 के अंत तक इमिग्रेशन जजों के समक्ष सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में कानूनी शरण का रास्ता कठिन है, ऐसे में कनाडा के रास्ते लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वे शरण का आवेदन करते हैं और लंबी कानूनी प्रक्रिया कनाडा से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को पैसा कमाने के लिए पर्याप्त समय दे देती है। समय समय पर अमेरिका अवैध प्रवासियों के लिए माफी की घोषणा भी करता रहता है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के नागरिकता न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके शिंदर पुरवाल कहते हैं कि अमेरिकी व्यापार लॉबी को बिना दस्तावेज वाले कर्मचारी पसंद हैं। वे अवैध लोगों को निर्वासित न करने के लिए दबाव डालते हैं। शरणार्थियों को वापस भेजना कूटनीतिक रूप से भी कठिन काम है, खासकर तब जब दो देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता न हो। जब शरण चाहने वाले किसी तीसरे देश से प्रवेश करते हैं जिसके पास विदेशी नागरिकों को वापस लेने का कोई कारण नहीं होता, तो उन्हें वापस भेजना और भी मुश्किल हो जाता है। यूएस के उलट ब्रेक्सिट के बाद से भारतीयों के लिए यूके वीजा तक पहुंच आसान हो गई है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट का कहना है कि बहुत लोग अभी भी यूके पहुंचने के लिए कनाडा के वीजा का उपयोग कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2022 की रिपोर्ट में भारतीयों की गैरकानूनी आमद में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से गैर हिंदुओं के खिलाफ भारत में बढ़ते धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न और घरेलू आर्थिक अवसरों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस तथ्य को चुनौती देते